हेलो नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी सड़क घटना के दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया गया है। यहां पर ट्रक पास से गुजर रहा था और बाइक को भिड़ंत करते हुए उसमें वह पलट गया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार पति पत्नी और 2 बेटा बेटियों को मृत घोषित कर दिया गया है। इस घटना के दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई थी और पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। बताया जा रहा है कि इस घटना में ट्रक ड्राइवर भी घायल बताए जा रहे हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों का पीएम करवाने के लिए भिजवा दिया गया है। यह पूरा मामला थार जिले से निकल कर आ रहा है, जहां पर देर रात 9 बजे के आसपास इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर मछालिया घाट के पास भंडारिया गांव में यह घटना घटित हुई है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि ट्रक यूपी से अहमदाबाद की ओर आ रहा था, तभी मछालिया घाट के पास निर्माणाधीन सड़क के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया है और इस घटना के दौरान वहां से गुजर रही बाइक को भी चपेट में ले लिया था। इस घटना के दौरान मृतकों में राकेश पिता खेमू डामोर, उसकी पत्नी सिंगिता और 4 वर्षीय बेटा शिवा और 9 वर्षीय बेटा शामिल है। और राकेश डामोर अपने परिवार के साथ पीथमपुरा झाबुआ के लिए और जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर का नाम प्रताप, पिता जगत सिंह है, जिसका वह इलाज चल रहा है और यूपी के कन्नौज का रहने वाला है। इस घटना के दौरान हाईवे पर यातायात बाधित हो गया था। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को यहां पर साइड में हटवाया है, उसके बाद जाम को खुलवा दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।